नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी गाड़ी की जिसको खरीदने के लिए कुबेर का धन चाहिएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, ये है लैंड क्रूजर 300 ZX टॉप मॉडल। 2.5 करोड़ रुपए में ऑन रोड पड़ती है गाड़ी। इसमें मिलता है आपको 3500 cc का 6 सिलेंडर इंजन जो बनाता है 305 bhp पावर और 700 Nm की टॉर्क। दोस्तों कितनी शानदार ये गाड़ी है, इसकी रोड प्रेजेंस देखते ही आपको लगेगा जैसे एक ट्रक को भी ये चुनौती दे रही है, इतना इम्पोजिंग लुक है इस गाड़ी का। इसकी फ्रंट ग्रिल देखिए, 2023 में कुछ चेंजेस हुए हैं, अब ये बेहतर एरोडायनेमिक और बेहतर ड्राइवेबिलिटी के साथ आती है गाड़ी। इसमें आपको डायनेमिक इंडिकेटर मिलते हैं और 3 पोर्ट LED हेडलाइट मिलते हैं जिसमें 2 प्रोजेक्टर हैं और 1 रिफ्लेक्टर है। देखिए कितने जबरदस्त तरीके से, कितना स्लिक डिजाइन है ये, लेकिन इसका जो थ्रो है ना इतना जबरदस्त है। एडेप्टिव लाइटें मिलती हैं आपको तो रोड को जबरदस्त तरीके से चकाचौंध कर देंगे रात को। ये फॉग लैंप हैं वो भी LED मिलते हैं आपको। क्रोम का इस्तेमाल भी बड़े शानदार तरीके से किया गया है, असल मायने में जो ब्लैक कलर बोलते हैं ना दोस्तों, देखिए इस गाड़ी में कितना जबरदस्त दिखाई देता है। ये काफी बड़े तरीके से यहाँ पर सिल्वर का क्रोम का मैच दिया गया है जबरदस्त। इसको बहुत शानदार और एक बड़ा रेडिएटर मिलता है, इसलिए कितनी भी लंबी दूरी आप तय करें गाड़ी में तो किसी प्रकार का कोई भी हीटिंग इश्यू से ना जूझना पड़े, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें दी गई हैं इसमें। इसमें मिलता है 235 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो कि आप ऑल्टर कर सकते हैं, क्योंकि एयर जो सस्पेंशन है उसकी यही खासियत होती है कि अपनी जरूरत के हिसाब से गाड़ी को डाउन या अप कर सकते हैं आप। और सभी एक मास्टर सिलेंडर के साथ सभी टायर के ऊपर इंडिविजुअल एक सिलेंडर होता है जिसमें हवा कम या ज्यादा होती रहती है अपनी आवश्यकता के हिसाब से, और अंदर जो झटके हैं वो आपको ना के बराबर फील होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं हेडलाइट वाशरी मिलता है आपको। देखिए फीचर्स तो मेरे हिसाब से शायद ही कोई बच गया होगा, ये कहते हैं ना कि उड़ना ही बाकी रह गया होगा इस गाड़ी का, इतने सारे फीचर मिलते हैं इसमें। इसमें आप देखिए 20 इंच के टायर मिलते हैं आपको, जो अलॉय का साइज है 20 का है, और टायर की जो प्रोफाइल है वो भी बड़ी जबरदस्त है। मैं एक बार दिखा देता हूँ निकट से आपको, 265/55% जो थिकनेस है आमतौर पर नॉर्मल गाड़ियों में आपको कम दिखाई देगी, लेकिन इस गाड़ी में जो कि सस्पेंशन इतना शानदार है तो बेहतर राइड क्वालिटी या हैंडलिंग के लिए कम प्रोफाइल दी जाती है जिससे जो गाड़ी है जम के चले एकदम रोड के ऊपर, क्योंकि बाकी का सारा काम जो गड्ढों को सोखने का है वो तो एयर सस्पेंशन कर ही लेता है आपका। साइड से प्रोफाइल देखिए इस गाड़ी की, कितनी जबरदस्त और ह्यूज प्रोफाइल है दोस्तों, कि कैमरा मुझे पीछे ले जाना पड़ेगा जब पूरे तरीके जस्टिफाई कर पाऊंगा मैं। आपने ग्लोस्टर और जो फॉर्च्यूनर गाड़ियां देखी होंगी ना, उससे ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1.5 टाइम बड़ी है दोस्तों। इसकी हाइट इतनी ऊंची है इसलिए खासतौर पर जो हमारे साथी एज नहीं है किसी प्रकार के चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो फुल स्टेप भी दी गई है कि गाड़ी में राइड करके आप अंदर ही तरह बैठ सके। ये जो ORVM है यहाँ पर एक LED ब्राइट अप होती है जो टर्न इंडिकेटर के तौर पे काम करती है। इसका साइज का आइडिया लगा लीजिए आप कितना बड़ा है, ये मैंने अपनी जो हैंड है उसकी फिंगर्स पूरे तरीके स्ट्रेच कर दी हैं तब भी वो 75% ORVM को कवर कर पा रही है दोस्तों। ये देखिए इसका राजा महाराजा वाला इंटीरियर, जबरदस्त बेज कलर का इंटीरियर मिलता है आपको। काफी सारे फीचर फंक्शन होंगे उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले आपको डोर में दिखाते हैं। ड्राइवर साइड डोर है, मेमोरी फंक्शन मिलते हैं 3, तो अलग अलग बंदे यदि इसको ड्राइव करते हैं तो सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। गाड़ी जो स्टेयरिंग व्हील वगैरह है जो सीट है वो ऑटोमेटिकली वो स्पेस को या उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी वो, तो बार बार आपको सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी। हर जगह लेदर है और सॉफ्ट टच फील होता है, अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वुड फिनिश भी दी गई है, यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है अच्छे तरीके से। जो स्पीकर है देखिए कितने ह्यूज साइज का दोस्तों, काफी बेहतरीन तरीके से, मुझे ब्रांड का तो नहीं पता कौन सी ब्रांड का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस कीमती गाड़ी में आपको कोई सुपर साउंड सिस्टम जरूर मिलेगा। अच्छा स्पेस दे रखा है बोतल के लिए यहाँ पे, लेकिन कितनी बड़ी बोतल बैठ पाएगी ये थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत लग रही है मुझे एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। 0.5 लीटर की या 1 लीटर तक की बोतल तो शायद बैठ जाएगी, उससे बड़ी नहीं बैठ पाएगी। डस्टिंग के लिए क्लोथ वगैरह रखने के लिए जगह पर जाती है। यहाँ पर पावर सीटें मिलती हैं आपको तो ये भी अच्छी बात है। परफोरेशन है, वेंटिलेशन ऑब्वियस ही बात है भाई, सेगमेंट की गाड़ी में अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, उस पर क्रूज कंट्रोल वगैरह जो अर्गोनॉमिकली बेस्ट पोजीशन उसी तरीके दिए गए हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कंट्रोल करता है पूरे तरीके से आपकी जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, काफी बड़ी स्क्रीन है दोस्तों, इसका एग्जैक्ट साइज स्क्रीन के ऊपर अभी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारे बटन देखने को मिलेंगे आपको, सभी अलग अलग तरीके से काम में आते हैं। एक अच्छी बात यह है कि ये बहुत बेहतरीन काम किया है टोयोटा ने कि यहाँ पर बटन दिए हैं मैनुअल, यहाँ से वेंटिलेशन वगैरह फंक्शन या हीटिंग के फंक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील भी आपका हीटिंग के साथ आता है, टेम्परेचर कम या ज्यादा करने के लिए आपको नो मिलती है, साथ में ऑटोमेटिक एसी के लिए, और बीच में आपका लगेगा ब्लोवर की स्पीड मैनेज करने के लिए। ये काफी बड़ा म्यूजिक सिस्टम है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको भी ऑन करके एक बार देखते हैं किस तरीके से काम करता है। टोयोटा के लोगों के साथ इसकी शुरुआत होती है। भाई मिठास का जबरदस्त है म्यूजिक का, ये बाद में सुनाएंगे आपको, लेकिन वॉल्यूम कम कर देता हूँ मैं एक बार इसके फैसला लेने के लिए।
ह्यूमंगस साइज की स्क्रीन है दोस्तों, काफी अच्छी क्वालिटी की ही है। बीच में देख रहे हैं जीपीएस काम कर रहा है, साइड में अलग अलग तरीके से तीन पार्ट में काम कर रही है, जिससे किसी प्रकार की जो जानकारी है आप तक कम से कम ना पहुंचे, पूरी पूरी पहुंचे। वो अच्छा फील कराता है, काफी रेज्ड अप है सेंटर कंसोल, तो एक पूरी आपको माचो फीलिंग आती है। और देखिए यहाँ से पूरा बोनेट भी विजिबल है इसका, एचयूडी भी मिलता है आपको, हर जगह सॉफ्ट टच ही देखने को मिलता है। भाई जबरदस्त लग्जरी है दोस्तों, जितना मैं बोल पा रहा हूँ शायद इस गाड़ी को आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे ना तो उससे भी ज्यादा प्रभावित होंगे कि हाँ मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो कितना ज्यादा इफेक्टिव आते हैं। शानदार गियरबॉक्स का लीवर है, यहाँ पर आप देखिए ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक वगैरह, ऑटो होल्ड, साथ में ये फोर लो फोर हाई, ये सब चीजें मिलेंगी क्योंकि गाड़ी पूरे तरीके से सक्षम है हर प्रकार के रास्ते को टैग करने के लिए। ये चाबी रहने वाली है लॉक अनलॉक बूट ओपन करने के लिए, लैंड क्रूजर की बैजिंग रहेगी। दो कप होल्डर यहाँ मिलते हैं आपको, ये जो आर्मरेस्ट इसकी खासियत है कि दोनों तरफ से ऑपरेट कर सकते हैं आप, ऐसा लीवर आपको दोनों तरफ मिलेगा। और यहाँ स्पेस देखिए कितना जबरदस्त दिया गया है दोस्तों, वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा दोस्तों, एकदम फर्स्ट क्लास फीलिंग है। अब चलते हैं पीछे की तरफ, इसके डोर की जो ओपनिंग है काफी शानदार है, ऑलमोस्ट 70 डिग्री के आसपास की ओपनिंग मान के चले आप, लेकिन सफिशियंट है दोस्तों क्योंकि गाड़ी बड़ी है, डोर का साइज बड़ा है ना, तो आसानी से आप इंग्रेस या एग्रेस कर सकते हैं। लेजी एजी वेरीफाई हो चुकी है, इसमें मिलता है आपको JBL का म्यूजिक सिस्टम और जबरदस्त साउंड आउटपुट है। मैं दावा कर सकता हूँ कि जितने पैसे आप लगा रहे हैं ना, बिल्कुल एक लॉन्च वाली फीलिंग आपको आने वाली इस गाड़ी में। हर जगह टोटल लेदरिंग में कवरिंग दे रखी है इसकी, यहाँ लेकिन हार्ड प्लास्टिक रहने वाला है। ये डोर वार्निंग लाइट है कि डोर यदि ओपन है तो लाइट इसमें ब्राइट अप हो जाती है, तो आने वाले जो रात में खासतौर पर ट्रैवलिंग करने वाले बंदे आपके साथ, वो आसानी से गाड़ी के डोर को पहचान सकें कि यहाँ पर थोड़ा सा हटके गाड़ी से चलाएं। लैंड क्रूजर की बैजिंग रहेगी इसका प्लेट पे। लेआउट भी जबरदस्त है, जो कंटूरिंग की गई है वो भी इस प्रकार से बोल सकते हैं कि दो बड़े बंदे और एक छोटा बच्चा बीच में बैठ सकता है, अन्यथा तीन बंदे भी अगर ग्रोन अप है फुल तो बैठ सकते हैं। गाड़ी की विड्थ बहुत ज्यादा है दोस्तों, आप देखिए अंडर थाई स्पेस वगैरह जबरदस्त मिलता है, 6 फुट तक का बंदा इस गाड़ी में अंडर थाई स्पेस की शिकायत बिल्कुल भी नहीं करेगा। यह जरूर है कि फ्लोर के और सीट के बीच की हाइट जो है बहुत ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा नीचे जब बैठेंगे आप, लेकिन इस गाड़ी की जो पीछे बैक रिक्लाइन एंगल वो भी आपके हाथ में है तो बेहतर तरीके से आप पीछे लेंग पोजिशन में बैठ सकते हैं, तो कंफर्टेबल काफी ज्यादा रहेंगे। बीच में आर्मरेस्ट मिलता है आपको कप होल्डर के साथ, ये रीडिंग लाइटें मिलती हैं यहाँ पर आपको, इसमें काफी सारे जोन मिलेंगे एसी के, आगे के लिए अलग और पीछे के लिए अलग, तो सब बंदे अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से एसी का जो टेम्परेचर हो मेंटेन कर सकते हैं। देखिए मैनुअल बटन वगैरह दिए गए हैं इसमें, और वेंटिलेशन का फंक्शन पीछे भी रहेगा, हीटिंग का फंक्शन भी पीछे भी रहेगा इन सीटों में। क्या ही तारीफ करूं दोस्तों और क्या ही बखान करूं मैं, इतने सारे फीचर फंक्शन है, सभी तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा आपको। पीछे भी स्क्रीन मिलती है आपको, तो अलग से यदि कोई बच्चे वगैरह जैसे कई बार जिद कर लेते हैं कुछ अपने चाहते प्रोग्राम को देखने के लिए, तो उसकी सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। दोनों तरफ आपको यहाँ पर मैगजीन होल्डर वगैरह मिलते हैं फ्लैप के साथ, संदरू थोड़ी छोटी मिलेगी क्योंकि टोयोटा हमेशा देखिए इस चीज के ऊपर जोर देता रहा है। एक हाईराइडर ही ऐसी गाड़ी अभी लॉन्च हुई है जिसमें आपको बड़ी संदरू मिलती है ना, सभी में छोटी संदरू भी मिलती है आपको, क्योंकि वो डिमांड थी उस सेगमेंट की। संदरू की वास्तव में भारतीय एनवायरमेंट में ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि जो क्लाइमेट है उस प्रकार से काफी डस्ट वगैरह रहता है या काफी कड़ी धूप रहती है नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर, वहां पर तो जरूरत है ही नहीं बिल्कुल। ये सिर्फ लग्जरियस फीचर है, पीछे वाइपर वाशर सब कुछ मिलता है आपको, काफी बड़ी टेल लाइटें हैं, देखिए एलईडी अभी ब्राइट अप हो रखी है, मैंने लाइट ऑन कर रखी है तो आपका आइडिया लग जाएगा, सब कुछ एलईडी रहेगा इसमें। डायनेमिक इंडिकेटर मिलते हैं आपको, तो एक फ्लोटिंग का इफेक्ट देते हैं, अच्छा फील कराते हैं उन चीजें। जो स्पेयर व्हील है अंडर द बॉडी दिया गया है, और जो विड्थ टायर की आप देखिए कितनी जबरदस्त है, 110 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। देखिए रेंज ऑब्वियसली बात है, गाड़ी बड़ा इंजन है, 6 सिलेंडर का इंजन है, तो माइलेज तो बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आप, लेकिन फिर भी मैं मान के चले कि 110 लीटर के फ्यूल टैंक के हिसाब से आपको जो रेंज है काफ़ी ठीक ठाक मिलेगी। अब देखते हैं एक बार इसके जो बूट वगैरह में क्या है। हाँ एक चीज़ भूल गया था मैं, इसमें मिलता है आपको 360 डिग्री कैमरा, ये देखिए इसका पावर टेलगेट, यहाँ से अलग अलग स्टेप है, अब इसको फिक्स भी कर सकते हैं, लॉक करना चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं। ये जो थर्ड रो है उसकी सहूलियत भी आपको मिलती है, एसी वेंट्स वगैरह हर चीज का पूरे तरीके से ध्यान रखा गया है, क्योंकि 2.5 करोड़ मेरे जैसे आदमी के लिए तो एक सपनों वाली बात हो जाती है दोस्तों, आम आदमी की रेंज से काफी दूर है गाड़ी, एक VVIP ही इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकता है वर्तमान में जो स्थिति है। मेहनत करते रहें, क्या पता भविष्य में आप भी ले लें। 100 वाट का एक पावर आउटलेट मिलता है आपको, जो कि फ्रिज के लिए स्पेशल दिया गया है, कोई हैवी डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हैं। एयर सस्पेंशन का एक फायदा और रहता है, ऐसे आप बूट को ओपन करके इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं और बेहतरीन नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, ये भी एक नई चीज है। फ्रिज देखिए यहाँ पर आप बेवरेज वगैरह या छोटे मोटे शो रखते हैं शक्ति वाटर के, उसका फायदा भी ले सकते हैं।
यहाँ पर आपका फ्यूल टैंक दिया गया है, सब कुछ आपको ऑटोमेटिक मिलेगा इस गाड़ी में। एक बार नॉन ड्राइवर सीट पर दिखाते हैं आपको। ये तो मैंने इस गाड़ी की 50% की तारीफ की है दोस्तों, क्योंकि इतने सारे फीचर्स हैं, शायद एक वीडियो में पूरा भी ना कर पाऊँ। अलग ही फीलिंग है ये मेरे लिए तो, इस लेवल की गाड़ी को देख पाना और आपके लिए वीडियो बना पाना। ये आपका लोकेबल ग्लोबॉक्स मिलता है यहाँ पर, और डबल पार्ट में है दोस्तों। देखिए कितने सारी बड़ी हैवी बुकलेट है इसकी, तो जो डॉक्टरी की पढ़ाई आपने यदि कर रखी है तो दोबारा से फिर करनी पड़ेगी दोस्तों, इतने सारे पेपर वगैरह को पढ़ने के लिए। पूरे तरीके से लेदर वगैरह इसमें दिया गया है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से, हर जगह लेदर की फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, मज़ा ही आ जाएगा आपको। एयरबैग का भी ध्यान रखा गया है, हर जगह एयरबैग लिखा दिखाई देगा आपको। SRS जो एयरबैग होते हैं वो पर्टिकुलर जो आपने सीट बेल्ट लगा रखी होगी तभी बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं, तो विशेष ध्यान रखें कि हमेशा सीट बेल्ट पहने रखें। ये इसका यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं आपकी जो डोर ओपनिंग लाइट के आसपास के बटन है, क्या क्या काम में आते हैं, काफ़ी सारी लाइटें हैं, अच्छा फील कराएंगी सभी चीज़ें। यहाँ आपको सनग्लास होल्डर मिलता है, मैं एक बार लाइट दिखा देता हूँ आपको, कितनी शानदार LED लाइट ब्राइटअप होती है दोस्तों। हर जगह आपको देखिए फ्लैप के साथ मिलते हैं, लाइटें भी हैं और वैनिटी मिरर तो है ही है भाई, 2.5 करोड़ के आदमी होंगे तो आप सुंदर तो वैसे ही हो जाते हैं पैसे के साथ आदमी। तो इस प्रकार से वो ग्रांड वीडियो रहेगा दोस्तों इस गाड़ी का। एक बार साइड से प्रोफाइल दिखाता हूँ मैं, वीडियो को एंड करता हूँ। देखिए इसके जो डायमेंशन है कितने ज़बरदस्त है कि आप फैन हो जाएंगे तुरंत प्रभाव से इस गाड़ी के। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।